कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने और प्रियंका गांधी की उपचुनाव लड़ने की ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप है और राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ा था। अब वो वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे और खबरों के अनुसार प्रियंका गांधी राहुल गांधी की जगह लेने वाली है। गांधी परिवार का एक और सदस्य सौथ से चुनावी राजनीति में प्रवेश कर रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत से हॉर्नबिल टीवी ने बातचीत की, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। 2024 के लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद कांग्रेस की राजनीति में बड़ा बदलाव। वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी लड़ेंगे चुनाव। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से नहीं दिया इस्तीफा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जी, इनसे जानेंगे क्या रहेगा रणनीति। सर, राहुल गांधी वायनाड की सीट से इस्तीफा देने के बाद वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से पूरे देश में कैंपेन करके ये दिखा दिया है कि देश जो है वो मुद्दों के आधार पर चलेगा, जिस तरह से उन्होंने रायबरेली अमेठी में मैनेजमेंट करके जो दोनों सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश को भी मैसेज दिया है कि देश में जो बेसिक मुद्दे हैं, महिलाओं की भागीदारी, महिला सशक्तिकरण की बात उन्होंने हर बार उठाई है। और निश्चित तौर पे उनके वायनाड से लड़ने से जो साउथ में जो श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में कैंपेन किया था, उससे वहाँ पर हमारे पार्लियामेंट जीत करके आए। अब वायनाड से वो खुद चुनाव लड़ने जा रही हैं और हम लोग चाहते हैं कि वायनाड के साथ साथ जब आने वाले समय में जब केरल में विधानसभा का चुनाव होगा, देखिएगा निश्चित तौर पर केरल में भी कांग्रेस पार्टी वहां से जीत हासिल करेगी। क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी जी हमेशा मुद्दों के आधारित राजनीति करती हैं और मुद्दों को लेकर के ही जनता के बीच में जाती हैं, जब उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी थी और उत्तर प्रदेश पे उन्होंने सबसे बड़ा इंसेंटिव लिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं का, जिसमें से इतिहास में पहली बार हुआ कि महिलाओं को विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए 40% हिस्सेदारी उन्होंने देने का काम किया। तो मैं कह सकता हूं कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी के वायनाड लड़ने से एक राजनीति में एक परिवर्तन आएगा और महिलाओं की जो हिस्सेदारी होती है, महिलाओं की जो भागीदारी होती है, वो हमेशा सुनिश्चित होती रहेगी, जो प्रियंका गांधी जी का इंसेंटिव था। वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव तो लड़ रही है लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं इनकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। जब से ऐलान हुआ है कल से कि प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ रही, तो उत्तर प्रदेश में कैंपेन को लेकर जिस तरीके से चर्चा काफ़ी जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रायबरेली और उत्तर प्रदेश मेरा एक परिवार है और उस परिवार की तरह हमेशा उत्तर प्रदेश में भी रहेंगी और वायनाड भी, क्योंकि देश के जो परिकल्पना वाली जो पॉलिटिक्स है देश में, जो आपने देखा होगा जिस तरह से श्री राजीव गांधी जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश को सशक्त करने में अग्रिम भूमिका निभाई, उसका उदाहरण है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, जिन्होंने पूरे देश को एक मैसेज दे दिया कि देश नफरत से नहीं चलेगा, प्यार से चलेगा, भाईचारे से चलेगा। और मैं कह सकता हूं कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी रायबरेली हो, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनका जो काम करने का तरीका है वो हमेशा रहेगा, वायनाड से भी वो चुनाव लड़ेंगी, वायनाड को भी देंगी और देश के पूरे कैंपेन को भी देखेंगी। क्या रहेगा पार्लियामेंट में अगर भाई बहन दोनों एक साथ नजर आएंगे, फिर क्या माहौल रहेगा पार्लियामेंट? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में मुद्दों पर चर्चा होगी। अब तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अब बच नहीं पाएगी। देश के जो असल मुद्दे हैं, कल राहुल गांधी जी ने कहा, चर्चा उन पर होगी। देश में बेरोजगारी पर चर्चा होगी, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा होगी। कल जिस तरह से रेल दुर्घटना में जो मरे हैं लोग, उनके प्रति कांग्रेस पार्टी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मैं कह सकता हूं कि रेल मंत्री ऐसे को बनाया है जो सिर्फ रेल मंत्री है, वो रील बनाने का काम बाखूबी से कर लेते हैं लेकिन अभी तक कोई सुचारू व्यवस्था उन लोगों ने रेल मंत्रालय के लिए नहीं की है। इसको लेकर के हम अभी सदन में जब स्टार्ट होगी चर्चा, ये भी मुद्दा रहेगा। और जो ज्वलंत मुद्दा एक है, जो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो 50% आरक्षण की बात जो 2029 में लागू करने की बात प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, उसके उस पर भी चर्चा होगी। और हम लोग चाहते हैं कि निश्चित तौर पे महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो हर फील्ड में और देश में जो बढ़ती बेरोजगारी हो उसको कैसे खत्म किया जाए, उस पर भी ये चर्चा होगी।
ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जी। इनका साफ तौर पर कहना है पार्लियामेंट पर इस बार अहम मुद्दों पर आवाज उठाई जाएगी। अब देखना होगा क्या माहौल रहता है पार्लियामेंट का। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।